जी वेलकम ब्रेकअप के बाद, नहीं सॉरी ब्रेक के बाद। अच्छा जी मीरा, तुमने एक ज़माने में ऐलान किया था कि तुम कोई अपनी मौसीकी की एल्बम मिला जिसका नाम रखा था मौसीकी, ये भी शौक चढ़ा था गाने गाने का? कुछ अर्सा नहीं, अभी लास्ट जब मैं अभी 2 महीने पहले की बात। अच्छा तुम्हें शौक है गाने का? शौक नहीं है मुझे, एक कंपनी ने अप्रोच किया, कंपनी ने कुमार तुरानी। अच्छा। क्या उन्होंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुन लिया था? नहीं हम लोग एक उन्होंने मुझे खुद कहा कि गाना गाने के लिए। अच्छा तो गाना गाया? तब हमने एक गाना रिकॉर्ड किया, पाकिस्तान वापस आए इसलिए कि मुझे शो मेरी शो की डेट्स थी और अभी मैं वापस जाऊंगी तो फिर हम इंशाल्लाह ताला उस एल्बम पर काम करें। तो क्या हम वो गाना सुन सकते हैं? थोड़ा सही कॉन्फिडेंशियल है और इसलिए कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा तो मैं नहीं समझती कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट है और जब एल्बम आएगा तभी लोग सुन पाएंगे। अच्छा कॉन्फिडेंशियल, मैं भी एक बात बताना चाहूँ कि तुम्हारे साथ मैं एक बहुत ही फेवरेट सिंगर है, मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंशियल है, पर मैं चाह रहा था कि उसको आज तुम्हारे सामने लेके आऊँ। हाँ, और शायद वो तुम्हारी फिल्म के लिए भी कुछ गाना गाएगा। कैसे अली अब्बास? कैसे ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक है। अली अब्बास कुछ अपने बताओ, तुमने इंडिया में जुनून में सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीता और उसमें फर्स्ट प्राइज पे आ गए, फर्स्ट जूरी नॉमिनेशन में था, फर्स्ट जूरी नॉमिनेशन में। अच्छा जुनून कुछ कर दे गाने का प्रोग्राम था NDTV इमेजिन पे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा वैसे तो आज आप मीरा की स्पेशल फरमाइश पे आए। अरे तो हम चाहेंगे कि आपका जो एक स्टाइल है गाने का जी और जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने आपको सुना तो मैं थोड़ी देर रुक गया ना। अरे मैंने कहा ये है जी रियल सिंगर। आज आप हमें मीरा की पसंद का गाना सुनाते हैं। मीरा ने कोई कहा था कोई मायनी टाइप गाना है, आई थिंक पुराना गाना जी, बिल्कुल एक सूफी का कहा है इन्होंने, सूफी कलाम का। हाँ जी तो हम स्टार्ट करते हैं एक, बिल्कुल होपफुली मीरा जी इजाजत है। हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। मायने मैकनुआ दर्द बिछोड़ दाल ने, मायने मैकनुआ दर्द बिछोड़ दाल ने, मायने आवाज़ में इतनी अच्छी डेप्थ कैसे आई? ये वैसे गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं ज़्यादा, तो कुछ चमकाया कैसे इसको? चमके फिर थोड़ी सी मेहनत भी की। अच्छा हाँ जी, कुछ स्ट्रगल की। अच्छा तो देन फिर ये कुछ चीज़ें सामने सुनने में आई कुछ मिलने। अच्छा अब अगला गाना कौन सा सुना रहे हो? मीरा जी की फरमाइश थी।
दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए इत्ते सजना भी मर जाना शाम पे बिन शाम मुहम्मद ओड़कनू डूब जाना शाम पे बिन शाम मुहम्मद ओड़कनू डूब जाना मेरी डाची दे गल विच डलियां मेरी डाची दे गल विच डलियां मैं ता पीर मनावण चलियां शाना वालिया पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा सीधा मेरे हाथ कटोरा लसीदा मेरा पीर नजफ विच बसीदा शाना वाले आ पीरा पीरा हो Very good. Thank you. Meera, और कोई गाना सुनना चाहोगी तुम? अपनी अपना कोई फेवरेट? अपना फेवरेट? अपना अभी नहीं है। शाह फिल्म काफी भी सुना सकते हैं। ऐसे कि प्रिपेयर किया मुझे। फरमाइश आई थी मुझे इसकी। वो हीर का कुछ कॉन्सेप्ट था। जी। एक तो वो एक गाना मेरे नानाबू का बहुत जो फेमस है मैं सुनाऊंगा आपको वो बिल्कुल सुनाऊं। अपे कल्याणी में नाद मजी दे पछतानिया पे कल के जावो नी कोई मोड़ ले आवो तुसा सारियां सखियां रल के मेरा मोड़िया मुड़दा नायो मैं ते मोड़ रहियां वल वल के रब सैया या रब सैया मेरा माही आवे ओ पावे मजियां वन पल के लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े रांझे मजियां चराया रांझे मजियां चराया
टोली लेके नखेड़े लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां टोली लेके नखेड़े लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े मीरा हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुल्क को टैलेंट को आप अपनी फिल्म में लेके आ रही हैं एज अ सिंगर उसमें ये वैसे इट्स ग्रेट ग्रेट ऑनर फॉर मी कि इन्होंने मुझे ऐसी ऑफर दी और होपफुली कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी हम अपनी तरफ से दें और अच्छा अपना पूरा 100% कह ले वो दें अभी मेरी और अब्बास से हमारे यूसुफ के यहाँ हमारी मुलाकात हुई और मैं म्यूजिक के लिए गई थी वैसे यूसुफ साहब बहुत काम कर रहे हैं मौसीकी के ऊपर और तो इन्होंने मुझे एक गाना सुनाया अभी हम वो गाना आपको नहीं सुनाएंगे इसलिए कि वो गाना ना उसने अपना गाना सुनाया ना ये गाना सुनाया अपने लिए रख लिया ना वो गाना उन्होंने कहा कि ये किसी को नहीं सुनाना वो भी कॉन्फिडेंशियल है कोशिश है कि खूबसूरत एक अच्छी फिल्म मैंने पहला भी हाँ एक सरप्राइज होता है जब भी मैंने पहली प्रोडक्शन की थी एकरा जो मैंने प्रोड्यूस किया था मैंने एजुकेशन के ऊपर सीरियल बनाया था अच्छा एजुकेशन उसका जो बेसिक उसकी जो थीम थी उसका कॉन्सेप्ट था वो एजुकेशन से रिलेटेड था कि एक लड़की को तालीम हासिल करनी चाहिए और हमारे यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम है और हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम पर आज भी पाबंदी है आप अगर देहातों में चले जाएं और आज भी पुराने इलाकों में चले जाएं तो आज भी जो हमारे हाँ जो फ्यूडल सिस्टम है चाहे वो सिंध है चाहे वो पाकिस्तान वहाँ पर आज भी औरत की तालीम के ऊपर पाबंदी ताकि उसको वो शौहर ना मिल सके वो शौहर ना मिल सके वो बालिग ना सही मायनों में हो सके वो समझदार ना हो सके और आज भी लोग उसके फैमिली में बाप नहीं चाहता कि वो पढ़े बेटा नहीं चाहता भाई नहीं चाहता तो मेरा वो सब्जेक्ट था इकरा जब पीटीवी से मैं ऑन एयर रिलीज़ कर रही हूँ 4 साल पहले मैंने वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी एक और मेरा सब्जेक्ट है बहुत ही सेंसिटिव फिल्म का नाम मैंने ऑस्कर रखा है और जो पहला मेरा प्रोजेक्ट था वो टोटली एजुकेशन की एक लड़की को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए और वो किन हालात से गुजरती है उसमें मेरी कास्ट में हुमायूं सईद थे और पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स लड़की की और जावेद फाजिल साहब मरहूम उन्होंने वो लड़की की तुम तो नहीं थी नहीं मेरा इसलिए कि मेरी अम्मी का एजुकेशन से ताल्लुक है मेरी अम्मी खुद जॉब नाम मीरा भी हो सकता है इकरा की जगह है ना इकरा है इकरा का मतलब है पढ़ अब मेरा जो दूसरा मेरी एक मेरी ड्रीम है कि ये मैं फिल्म बना पाऊँ ऑस्कर और ये भी एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और बहुत ही सेंसिटिव और वो बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो लेकिन मुझे बताओ कि शादी एक बहुत पर्सनल मामला है तुमने उसको भी एक प्रोग्राम बना के टीवी पे ले मीरा का पति इसलिए कि मैं एक पब्लिक वो भी एक स्टेज है मेरा नाम मीरा है और मेरी जब भी शादी होगी वो दुनिया के एक सामने एक तो तुम शादी के ऊपर बात नहीं करना चाहते दूसरी तुम प्रोग्राम भी कर रही हो